नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बोनट हमने खोल रखा है अपनी कार का, और आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो इसी पर होने वाला है कि अगर आपको जानकारी नहीं है इंजन के बारे में तो बोनट खोलने के बाद आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। स्पेशली दोस्तों तीन जो सावधानी है वो आपको रखनी है। अगर आप ज़्यादा जानकार नहीं है इंजन के बारे में या कार के बारे में, तब आपको जो है बोनट खोलने के बाद ये तीन चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आपकी गाड़ी चल के आई हुई है, यानी कि 10, 20, 30 किलोमीटर भी चल के आई है या 10, 15 किलोमीटर भी चल के आई है, तो गर्म इंजन में आपको जब बोनट खोलने के बाद इस कैप को खोलना हो, ठीक है, ये जो कैप है रेडिएटर कैप है, तो इसको बिल्कुल एकदम से नहीं खोलना। जैसे कि गाड़ी आई, बंद की, अपने बोनट खोला और इसको खोल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है, ये सभी को पता है, यहाँ पर लिखा है डेंजर नेवर ओपन होट। यानी होट से मतलब ये है कि इंजन जब चल के आया है, यानी गाड़ी जब चल के आई, इंजन जब गर्म हो तब आपको इसको बिल्कुल नहीं खोलना। कम से कम 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे बाद आप इसको खोल सकते हैं। और अगर गाड़ी ज़्यादा चल के आई है तो आप कोशिश कीजिए कि इंजन ठंडा हो जाने दीजिए, तभी खोलिए। अदरवाइज़ होगा क्या, इसके अंदर का जो कूलेंट है वो हाई प्रेशर में होता है गर्म होने पे, और बाहर निकलने के लिए जोर लगाता रहता है। अगर आप इसको खोल देंगे तो एकदम से ये कैप खुलेगा और पूरा जो कूलेंट है वो आपके चेहरे पे आ सकता है और आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, और मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है कुछ गाड़ियों में इस तरह के स्टिकर कंपनी लगा के देखिए देती है, क्लियरली मेंशन करती है, कृपया हाथ, बाल, कपड़े आदि, पंखे और अन्य किसी चालू पुर्जे से दूर रखें। पंखा अपने आप चल सकता है और चोट लग सकती है। पंखे से मतलब इनका ये है कि रेडिएटर जो फ़ैन होता है दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि ये जो रेडिएटर फ़ैन है बंद है, ठीक है, जब इंजन को हम ऑफ़ कर देते हैं तो कुछ गाड़ियों में ये तब भी ऑन हो जाता है। और इंजन जब चालू हो और बोनट आपने खोल रखा हो और पंखा अगर बंद हो तो आपको जो है इससे दूर रहना है, ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है, इसलिए इसको जो है आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंजन जब गर्म होता है तब आपको इंजन के किसी पार्ट पर भी हाथ नहीं लगाना है, अदरवाइज़ आप जल सकते हैं। अगर इंजन ठंडा हो जाता है फिर आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट होता है, ये जो एग्जॉस्ट वाला पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे सिलेंडर हेड से जो है ये पाइप निकल रहा है, जैसे साइलेंसर या एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गर्म गैसेस होती है वो यहाँ से होकर ही निकलती है इंजन की। तो इसको जो है आपको कम से कम एक घंटे गाड़ी खड़ी रहे तब भी नहीं छूना है, ठीक है। इसके बाद एक जो चीज़ है, अगर इंजन चल रहा हो तो आपको ये जो पुली दिख रही है, जो बेल्ट सिस्टम दिख रहा है, इनसे दूर रहना है। आपको ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना है, जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है कि आपको जो है इससे दूर रहना है। चालू पुर्जों से मतलब ये है कि जो पुर्जे घूम रहे हों, ठीक है, उनसे दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट सिस्टम है, पुली सिस्टम है, अगर आपके बाल या ढीले कपड़े इसमें फंस गए तो आप घायल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बोनट को खोलते हैं, आपकी गाड़ी का इंजन चालू है या आपकी गाड़ी चल के आई हुई है कहीं से, गर्म इंजन है, तब आपको ये चीज़ नहीं करनी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।